हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। तो जी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी आपको आवाज़ अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो अभी टाइम है, 1 बज रहा है रात का, और मैंने कुछ बेबो का बर्थडे है, तो बेबो के बर्थडे के लिए मैंने सरप्राइज़ के लिए फ्रॉक सिलाई करनी है। तो अभी सब सो रहे हैं, तो अभी मैं सिलाई करूँगी। और देखो, विशाल भी सो रहा है, विशाल की शेम शेम भी दिख रही है। तो आप लोगों को फिर अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन से कलर का फ्रॉक सी रही हूँ। और ये रही हमारी मशीन, इस पर हम कपड़े सिलाई करेंगे। तो मैं थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि देखो विशाल सो रहा है, और कौन वीडियो बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा ना, मुझे खुद कोई बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाऊँगी, ताकि मैं साथ में काम भी कर सकूँ और साथ में आपको दिखा भी सकूँ कि मैंने कैसे उसका ड्रेस बनाया है बेबो का बर्थडे के लिए। और कल बेबो को पहन के भी दिखाएंगे तो कैसी लग रही है। तो कल उसका बर्थडे है, तो देखते हैं कैसी लगेगी हमारी प्यारी सी शहजादी। तो चले, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको साथ साथ ये भी आप लोगों को बता दूँ कि यार प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। मेरा मतलब गला वाला ख़राब है, इसलिए तो व्लॉग्स नहीं बना रही थी अभी 2 हफ्तों से। तो अभी थोड़े से बेबो के लिए मैं वो निशान देख रहा हूँ, मुझे ठहर को छुट्टी भी गया। तो आप लोग को अभी फ्रॉक बना के बताते हैं, बाकी बातें बात नहीं करते हैं। तो लेट्स गो। फैब्रिक मैं 2 मीटर यूज़ कर रही हूँ। कलर मैंने कुछ इस तरह का सिलेक्ट किया था बर्थडे के लिए, बहुत शाइनिंग आ रही थी इस कपड़े में। नीचे हमें लाइनिंग लगाने की भी नीड नहीं पड़ रही थी, और इसकी जब हम चुनेट्स बनाएंगे या फॉल बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बनेगा और वॉल्यूम भी आएगा फ्रॉक में। तो इसमें से अभी हम शर्ट भी निकालेंगे और ट्राउज़र भी निकालेंगे, तो देखते हैं कैसा बनता है। सो लेट्स गो। तो ट्राउज़र की कटिंग मैं कर चुकी हूँ, ट्राउज़र मैंने कुछ इस तरह से काटा है, और अब इसके नीचे हम स्टाइलिंग से बनाएंगे। तो इनको चलिए सीना शुरू करते हैं अब। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैमरा मुझे खुद ही हैंडल करना है, तो मैंने वायर को अपने गले के साथ लपेट के आपको दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। होप यू लाइक इट। और ये जो इतना वाइब्रेशन हो रही है वीडियो में, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि वो जो रॉड है मेरे गले में थी, और उसके हिसाब से देखो यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर लाइक्स ना आए और इसका सब्सक्राइबर ना आए, तो फिर दुख भी बड़ा होता है। तो ये खैर मैं खुद से कर रही थी, मुझे कोई सिलाई वलाई आती तो नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक मेरा शौक है कि मुझे अच्छा लगता है कि कपड़े खुद से सिलाई करके किसी को गिफ्ट करना। तो वैसे आपको एक बात बताऊँ, जब किसी चीज़ को आप शौक से करते हो ना, तो वो अच्छी ही बनती है। तो अभी आप देखिएगा, जब ये सिल जाएगा ना, तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। और आप लोग भी अपने बच्चे के लिए, ये देखो मैंने इसके नीचे ना लाइनिंग से कर दिए, आप इसके नीचे लेसिंग भी लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल रखूँगी और फ्रॉक पे हम थोड़ी सी लेसिंग करेंगे। तो अब हम इसको सी लेते हैं, और आपको बस जल्दी से छोटे छोटे से मैं क्लिप्स बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से इसका बर्थडे का ड्रेस स्टिच किया था। तो चलिए, ट्राउज़र हो गया है रेडी, आप देख सकते हो। बस इसमें भी हमें इलास्टिक को यहाँ कुछ ऐसा कुछ डालने की नीड है बस। तो अब सुबह हम इसको जब रेडी हो जाएगा, तब इसको पहना के दिखाएंगे आपको कि कैसी लग रही थी। ये पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने शोल्डर्स के लिए रेडी की हैं, मैंने कहा चलो ये मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ट्राउज़र में से कपड़ा बच गया था, तो मैंने कहा स्ट्रिप्स निकाल लेती हूँ, ये हमारे शोल्डर्स पर आएंगे। तो अभी इसको हमने जब सिलाई किया, तो अभी हम इसको इस तरह पिन करके सीधा कर लेंगे।
अच्छा जी, तो ये कपड़ा मैंने ऊपर बॉडी पे डालने के लिए इसे कट किया है, और आप इसकी शेप देख सकते हैं मैंने किस तरह की रखी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये हमारा ऊपर की साइड आएगा जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, और जो वो कर्व वाली साइड है ना वो मैं नीचे चुनट्स में दूंगी। तो देखना आप इसका इसका स्टाइल सुपर स्टाइल बनेगा। तो आगे आगे देखते हैं ये फ्रॉक कैसा बनता है। जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं सिंगल हैंडलिंग हूँ कैमरे की, तो इसीलिए मैंने चुनट्स भी डाल दिए। और देखिए मैंने इस तरीके से चुनट्स कट किया है, दोनों तरफ से चुनट्स डालनी है, तो ये फॉल बहुत अच्छा बनता है। और बॉडी मेरी होगी ये रेडी। अब हम इस पर लेसिंग यूज़ करेंगे, तो मैंने ये कंट्रास्ट यूज़ किया है, ये ब्लू नहीं है, ये कुछ सी ग्रीन सा कलर है और बहुत ही प्यारा लग रहा था इसी कलर पर, अनियन कलर पर। तो इसको अभी मैं इस पर अटैच करूँगी। और देखें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब बच्चों की कोई चीज़ बना रहे होते तो ऐसी चीज़ ना बनाए कि जो उनको चुपती रहे। तो ये देखें मैं फैब्रिक के ऊपर रख के इस लेस को अटैच करूँगी, ना कि इसको अलग से अटैच करूँगी, ताकि बॉडी पे ना लगे बेबी के, और ना कोई रैश हो, ना कोई ईचिंग हो बेबी को। तो इसीलिए आपने भी फैब्रिक के ऊपर रख के लेसिंग को करना है। और जो मैंने आपको शोल्डर के स्टेप्स भी कट करके दिखाए थे, मैं जब स्टेप पे भी लेसिंग करूँगी तो देखें उसके लिए भी मैंने कपड़ा एक अलग से रखा है, ताकि कपड़े के ऊपर ही लेसिंग आए, ताकि इचिंग ना हो बेबी को और ना कोई रैश हो। तो अब बारी आ गई ये स्ट्रैप स्ट्रेच करने की। तो इसको हम अटैच करने से पहले मैंने इस तरह मार्कर से इसके निशान लगाने हैं, ताकि स्ट्रैप्स हमारे आगे पीछे नहीं जाएं। और मैं इसको नीडल से सिलाई करूँगी, और पहले मैं इसको अच्छी तरीके से देख लूँ कि कहाँ से आएगा। तो ये जो कटवर्क वाला आउटर साइड है इसको मैं आउट साइड पर रख लूँगी, और ऐसे हम करेंगे। और अपने स्ट्रैप्स को इतना बड़ा ज़रूर रखिएगा कि बच्चे बेबी जब बाद में बड़े भी हो जाए तो छोटे बड़े हो सकें। तो अभी इनको अटैच करने के बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट। तो बॉडी हो गई है तकरीबन रेडी। लो जी, ड्रेस हो गया है बिल्कुल एकदम रेडी। अब हम ऊपर की बॉडी के लिए थोड़ा सा हम लगाएंगे, ये मैंने बो बनाई है, तो बो को हम मैं देख रही हूँ कि आगे लगाऊँ या बैक पे लगाऊँ। तो मैं इसे फ्रंट पे लगा रही हूँ क्योंकि बैक पे तो दिखती भी नहीं है, तो फ्रंट पे अच्छी लगती है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको स्टिच किया है, तो इसको फ्रंट पे हम अटैच कर देंगे। और इसको बॉडी से मैं बिल्कुल अटैच करूँगी, साथ में ऊपर से नहीं हम इसको दिखाएंगे, थोड़ी फिनिशिंग करेंगे ना। तो मैं अंदर की साइड से इसको नीडल से स्टिच करूँगी, और जहाँ पे हमारी ये फॉल्स आ रहे हैं वहाँ से स्टिच नहीं करूँगी, वहाँ से ओपन ही रखूँगी। तो देखिए कैसा लगता है। तो ये स्टिच मैंने कर लिया है, देखिए अंदर की साइड से किया है, तो ऊपर से अच्छी बो लग रही है, बो दब ही नहीं है, बो को दब भी नहीं आई है। और ऊपर से ये देखें नीचे से बिल्कुल ओपन रखा हुआ है मैंने इसे। अब हम इसे बीट्स से डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा बना देंगे फ्रॉक को हम अपनी। तो बीट्स मैं लगाऊंगी, मिड पे बड़े बीट्स लगा दिए हैं, ये देखिए मैंने बड़े बीट्स लगा दिए हैं, और छोटे बीट्स को मैं साइड्स पे लगा रही हूँ अब। और बिल्कुल भी मैं इसको दबाऊंगी नहीं, मतलब मैं इसको अंदर की तरफ से बॉडी से स्टिच करूंगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे ये लगाऊंगी। तो बीट्स देखने मैंने ये साइज़ लिया है बीट्स का, और इसको मैं बॉडी पे तो ऊपर से स्टिच कर दूंगी, लेकिन जब नीचे से हमारा जो बो आ रहा है उसको मैं अंदर की साइड से करूँगी, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी लगे फ्रॉक की। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं अब।
तो बीड्स को हम पहले आउटर साइड से इस तरह से कवर कर लेंगे और बीच बीच में फिर जगह पे जैसे जैसे हमें मिलेगा तो हम इसे बीच में भी लगाते रहेंगे। लेकिन कपड़े के साथ बिल्कुल इसे अटैच मत कीजिएगा, सिर्फ ऊपर से बॉडी को अटैच कीजिएगा आप। तो अभी ये देखें मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हो कि ऊपर से बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है। और कपड़े को हटा के मैंने एक एक मोती को स्टिच किया है यहाँ पे और ये फ्रॉक हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। बेल्ट आप लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको बेल्ट चाहिए या नहीं चाहिए या इस पर फर्दर आपको कुछ और करना है मज़ीद तो आप कर सकते हो। बाकी ऐसे सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें इसके फॉल्स कितने प्यारे आ रहे हैं, इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगी है और फिर भी इसका जो फ्लोर है बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमारा ड्रेस हो गया एकदम रेडी और कलर मैंने बहुत अच्छा लिया है लगता है मुझे, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे वेबो पे भी बहुत प्यारा लगना था ये। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा इसका वॉल्यूम है फ्रॉक का और चुनट सी डाली है। और देखो अम्मी आपको डेमो करके दिखा रही, अम्मी पकड़ के दिखा रही, मैंने कहा अम्मी आप इन याद करो। तो अब ये मॉर्निंग का शूट किया हुआ था मैंने, ये अब रात का नहीं है क्योंकि रात में तो अम्मी उठ के नहीं देख सकती ना, तो सुबह सुबह अम्मी ने ये उठ के देखा। और ये देखें इस तरह से भी हमने इसको रखा है, छोड़ देंगे हाथ से तो ये देखो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि इसका फॉल बहुत प्यारा है और इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं लगी है सिंगल कपड़े पे फैब्रिक पे इसको मैंने बनाया। और ये है हमारी सिंसी मॉडल। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि बेबो अपनी बर्थडे पे कैसी लग रही थी इस फ्रॉक के साथ। अब बेबो का मेजरमेंट मैंने मुँह जुबानी वैसे ही याद था मुझे और देखो इसको कितना फिट आया है ये ड्रेस। तो इसको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।